नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई करते हैं खबरों की शुरुआत। मामला पनागढ़ जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़िया का है, जहां के सचिव शिव कुमार पटेल ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ग्रामवासियों द्वारा पंचायत के कार्यों में गुणवत्ता की जांच करने शिकायत की गई थी, जिसमें मुड़िया ग्राम में सीसी रोड निर्माण और बाउंड्री वॉल निर्माण डुंगरिया की जांच के संबंध में पंचायत के रिकॉर्ड जब्त थे। जाँच पूरी होने के उपरांत ग्राम सचिव द्वारा पंचायत इंस्पेक्टर के पास जमा बैंक की कॉपी, कैशबुक और पासबुक वापस मांग रखे थे, जिसे वापस करने के एवज में पंचायत इंस्पेक्टर कंचन झा द्वारा ग्राम सचिव से 4000 रुपए की मांग की जा रही थी। रुपए ना देने के कारण पंचायत इंस्पेक्टर द्वारा रिकॉर्ड देने में आनाकानी की जा रही थी, जिससे परेशान होकर ग्राम सचिव ने 14 तारीख को लोकायुक्त के समक्ष पूरा मामला बताया, जिसके बाद आज दोपहर लगभग 2 बजे ग्राम सचिव ने पंचायत इंस्पेक्टर कंचन झा को तय राशि 4000 रुपए दिए, जहां मौके पर उपस्थित लोकायुक्त की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर दबोच लिया। सीसी रोड का निर्माण और बाउंड्री वॉल का निर्माण वही चल रहा था, जिसमें सीसी रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्रामवासियों द्वारा गुणवत्ता की मांग को लेकर की गई थी। पंचायत इंस्पेक्टर श्रीमती कंचन झा ने सहायक यंत्री जनपद पंचायत पनागढ़ एवं उप यंत्री जनपद पंचायत पनागढ़ को जांच में भेजा था। इन्होंने गुणवत्ता की और रोड की जांच की और उसका पत्र जिला पंचायत भेजने के लिए भाई पा गए, वो भेज देंगे और रोड की सीसी भी खींच के लाए। लेकिन 2 माह से इन्हीं दोनों का अधिकार को देखते हुए पंचायत इंस्पेक्टर श्रीमती कंचन झा वर्ष 2016-17 कैशबुक, बिल वाउचर और पासबुक अपने पास रखे हुए थे। हमने कहा मैडम जांच हो गई और दूसरों ने जांच कर ली है, हमारा रिकॉर्ड हमको दे दें आप, कहीं आज देंगे, कल देंगे, 4 दिन बाद देंगे, अगले सप्ताह देंगे, 4-5 सप्ताह के बाद देंगे। और पर हमें इस पैसे की भाई मांग करती रही है, बहुत उन्होंने कुछ की रहा था। कितने रिश्वत की मांग की गई? रिश्वत 5000 की भाई उन्होंने मांग की रही है 14 तारीख को। तो हमने कहा मैडम 5000 रुपये ज़्यादा होते हैं और हम आपको 4000 रुपये भाई मतलब देंगे और आप हमारा रिकॉर्ड दे दो। तो फिर भी उन्होंने बोला कि 4000 भाई मतलब देने के बाद ही अभी हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। और पहले भी कुछ पैसों की डिमांड की गई थी द्वारा? बिना पैसे तो इन लोगों ने काम किया नहीं, हमसे इन्होंने 6-7 बार पैसा लिया और इन्हें बिल्कुल इतना परेशान किया। तो हमें ये भाई लोग ऑफिस गए, वहाँ लोगों से अपनी समस्या हमने सुनाई, उन लोगों ने समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारा साथ दिया और आज जनपद पंचायत बनागर में दोपहर के टाइम हमने लोग टीम के साथ छापा डालवाया। उसमें मीडिया का सभी पत्रकार बंधु ने हमारा सहयोग दिया। मेरा नाम से उमर पटेल, सचिव ग्राम पंचायत मुड़िया जनपद पंचायत बनागर। शिव कुमार पटेल हैं, ये सचिव हैं ग्राम पंचायत मुड़िया। इनकी निर्माण कार्य के संबंधित जांच चल रही थी और उस जांच के संबंध में यहाँ के पंचायत इंस्पेक्टर के पास इनके कैशबुक, बिल बुक, पासबुक आदि जमा थे। जांच संभवतः उनके कहने अनुसार पूर्ण हो चुकी थी और ये दस्तावेज इनको वापस चाहिए थे सचिव को। तो इसे लगातार संपर्क पंचायत इंस्पेक्टर ये श्रीमती कंचन झा से कर रहे थे। तो इन्होंने कागज़ वापस करने के लिए, दस्तावेज वापस करने के लिए इसे 5000 रुपये की मांग की थी। इसकी शिकायत उन्होंने 14 मई को पुलिस शिक्षक के लोकायुक्त श्री अनिलेश्वर राव पुलिस कर्मा साहब को की थी, उसकी तस्दीक पे आज 4000 रुपये रिश्वत लेने के लिए तय हुआ था, जो आज इनको रंगे हाथ और 4000 रुपये पकड़ा गया। सर, इसके पहले भी कितने लोगों के ऊपर यहाँ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? ये अभी आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, वो कार्यालय में देख के ही बताया जा सकता है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। फिर से प्रदेश में अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही मामला शिवपुरी में सामने आया है, जहां 4 साल की मासूम से यौन हिंसा की गई है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि जिला चिकित्सालय में सुबह के वक्त जिस बच्ची को भर्ती कराया गया, उसकी मेडिकल जांच करने पर यह बात सामने आई कि बच्ची के साथ यौन हिंसा की गई है। इस मामले में परिजनों ने मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, मगर पुलिस को दिए बयान में परिजनों ने कहा है कि शादी समारोह के दौरान गिरने से बच्ची घायल हुई है, जबकि डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप के दौरान यौन हिंसा की पुष्टि की है।
अब पुलिस जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। अभी पुलिस ने यौन हिंसा की पुष्टि करने से इनकार किया है। बच्ची को ग्वालियर रेफर किया गया है। परिजनों की माने तो वे रिश्तेदारी में एक शादी में गए हुए थे, जहां पर रात को सोते समय किसी ने उसके साथ गलत वारदात कर दी। बच्ची के रोने पर उसके घर वाले जागे और उसे बैराड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ से बच्ची की हालत को नाजुक देखते हुए उसे शिवपुरी रेफर कर दिया गया, जहाँ उसका मेडिकल होने पर उसके साथ अनैतिक व्यवहार की पुष्टि हुई है। वहीं सिविल सर्जन गोविंद सिंह का कहना है कि मेडिकल चेकअप में बच्ची के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई है। डॉक्टर गोविंद सिंह मेडिकल ऑफिसर पुलिस अधिकारी आलोक सिंह का कहना है कि लड़की की मां का कहना है कि लड़की सीढ़ियों से गिर गई है। मामला जांच में ले लिया गया है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा, पुलिस कहां तक पहुंची? उसने अभी वो लड़की की माँ से बात की है। उसका कहना है कि मेरे मामा के यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा था, महिला संगीत, रात में मेरी बच्ची जीने पे से स्लिप होकर गिर गई थी। उसको मैं उठा के अस्पताल ले गई थी, वहाँ से यहाँ जिला चिकित्सालय शिवपुरी में उसको रेफर किया गया, यहाँ उसका इलाज चल रहा है। किसी दवा में बोल रही है या किसी को बचाने के लिए? नहीं, अब ये कह नहीं सकते, वो स्वयं बोल रही है, उसे काफ़ी बार। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि रेप का मामला आया है। ये मेरी अभी जानकारी में नहीं, पुष्टि नहीं हुई, मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया। मामला सामने आया है अस्पताल में, क्या कुछ मामला है, क्या जानकारी है आपके पास? अत्यंत दुर्भाग्यशाली घटना है, एक छोटी बच्ची के साथ यौन हिंसा हुई है। उसको हमारे चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। लगभग 16:30 बजे उस बच्ची को लाया गया। उसका पूरा संवेदनशीलता से यथोचित समस्त उपचार किया जा रहा है। अभी बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत अभी नहीं आती, समस्त प्रकार की जो औपचारिकताएँ वैधानिक होती हैं पूरी तत्काल की। खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।